हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है प्रूव दैट, पार्ट 1 किया है 1 + 2 ω × 1 + 2 ω² इनटू 1 - ω - ω² इज इक्वल टू 600। सॉल्यूशन तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 1 + 2 ω × 1 + 2 ω² × 1 - ω - ω² इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस दोनों फैक्टर का हम मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे। तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, फिर 1 को 2 ओमेगा स्क्वायर के साथ तो 2 ओमेगा स्क्वायर, इसके बाद 2 ओमेगा को 1 के साथ तो 2 ओमेगा, फिर 2 ओमेगा को 2 ओमेगा स्क्वायर के साथ तो 2 इनटू 2 से 4, ओमेगा इनटू ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा क्यूब, इसके बाद ये वाला। तो इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे 1, फिर माइनस, जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में 1, फिर यहां पे हम 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2 ω² प्लस ओमेगा रह जाएगा, फिर प्लस 4 ओमेगा क्यूब की जगह हम 1 पुट करेंगे 1, और यहां पे 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास माइनस 1 के बराबर है बाय प्रॉपर्टी नंबर 1। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 0 के बराबर है। जब हम 1 को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो वो माइनस 1 हो जाएगा। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? माइनस 1 के। इसके बाद 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बराबर है माइनस 1 के, प्लस 4 इंटू 1 से 4, फिर 1 माइनस इंटू माइनस से प्लस तो प्लस 1, इसके बाद 1 प्लस प्लस 2 इंटू माइनस 1 से माइनस 2 प्लस 4, और यहां पे 1 प्लस 1 से 2, तो 1 माइनस 2 प्लस 4, तो 1 को 4 के साथ ऐड करेंगे तो 5, बीच में माइनस 2 रह गया और यहां पे 2 है तो 2, तो 5 माइनस 2 से 3 और यहां पे 2, तो 3 इंटू 2 से 6 हो। तो यहां राइट साइड पे देखिए, यहां भी 6 है विच इज प्रूव। पार्ट 2 में गिवन है -1 + iota√3 ω² × -1 - iota√3 ω² इज इक्वल टू 512 ω². तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? -1 + iota√3 ω² फिर -1 - iota√3 ω² अब as we know that ओमेगा किसके बराबर है? ओमेगा इज इक्वल टू -1 + iota√3 / 2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहां पे 1 है तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा को 2 के साथ, तो ओमेगा इंटू 2 से 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 + iota√3। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 - iota√3 / 2। यहां पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 - iota√3। तो यहां पे -1 + iota√3 की जगह हम 2 ओमेगा पुट करेंगे और इसकी जगह 2 ओमेगा स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इसकी जगह 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा पावर 4 और यहां पे 2 ओमेगा स्क्वायर पावर 5। इसको अब हम साल करते हैं, तो 4 को 2 पे भी लगाएंगे और ओमेगा पे भी, तो 2 पावर 4 ओमेगा पावर 4, इसी तरह 2 पावर 5 और ओमेगा स्क्वायर पावर 5। अब 2 आ रहा है, ये सेम है 2 ओवर 2, तो जब बेस सेम होते हैं तो हम पावर को ऐड करते हैं, तो 2 पावर 4 प्लस 5 और ये ओमेगा पावर 4 और यहाँ पे 2 इंटू 5 से 10, तो ओमेगा पावर 10, तो 2 पावर 9 और यहाँ पे 1 ओमेगा लेंगे और पावर को ऐड करेंगे, तो 2 पावर 9 डॉट ओमेगा पावर 14, तो 2 पावर 9 हमारे पास इक्वल है 512, यानी 2 को अगर हम 9 टाइम मल्टीप्लाई करें तो इससे आता है 512 और ओमेगा पावर 14 को हम इस तरह लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा 12, तो इससे आएगा 512 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 12 को हम इस तरह लिख सकते हैं ओमेगा पावर 3 होल पावर 4, तो ओमेगा क्यूब की जगह हम 1 पुट करेंगे तो 1 पावर 4 भी 1 के बराबर है, तो 512 ओमेगा स्क्वायर इनटू 1 पावर 4, तो फाइनली से आएगा 512 ओमेगा स्क्वायर। सो यहां पे देखिए राइट हैंड साइड ये और ये बराबर है, सो ये प्रूव हुआ प्रूव। अब क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है शो दे, पार्ट 1 किया है x³ - y³ = x - y (x - ω y) (x - ω² y) सॉल्यूशन। तो हम राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू x - y (x - ω y) (x - ω² y), तो हम इस दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं x - y, x को x के साथ तो x² फिर x को -ω² y के साथ तो -xy(ω² फिर -ω y (x) तो -xy(ω) फिर -(-) ω y (ω² y) से आएगा ω³ y² ω² से ω³ y (y) से y² फिर x - y (x² यहां पे माइनस बी कॉमन है xy भी, तो -xy कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा ω² + ω फिर प्लस ω³ की जगह 1 और y² फिर x - y (x² - xy) ω² + ω बराबर है -1 के, तो -1 यहां पे पुट करेंगे 1 इंटू y² से तो y² फिर x - y (x² - xy) - xy (-1) से तो -(-) xy (1) से xy + y². अब हमारे पास फार्मूला बना a - b (a²) + ab + b² व्हिच इज इक्वल टू a³ - b³, तो यहां पे क्या आएगा x³ - y³ व्हिच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको हमने प्रूव किया। पार्ट 2 में गिवन है 1 + ω ((1+ω²)·1+ω⁴)·1+ω⁴)·1+ω⁸=1 सॉल्यूशन। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1+ω((1+ω²)·1
वन प्लस ओमेगा पावर फोर इंटू वन प्लस ओमेगा पावर एट। अब वन प्लस ओमेगा ये हमारे पास इक्वल है ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के, इसी तरह वन प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास बराबर है माइनस ओमेगा के, वन प्लस ओमेगा बराबर है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और वन प्लस ओमेगा स्क्वायर वो बराबर है माइनस ओमेगा के। तो यहाँ पे हम माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे और यहाँ पे माइनस ओमेगा, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा, फिर वन प्लस ओमेगा पावर फोर, तो ओमेगा पावर फोर को हम इस तरह लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, फिर वन प्लस ओमेगा पावर एट को हम इस तरह लिख सकते हैं ओमेगा पावर सिक्स डॉट ओमेगा स्क्वायर। अब माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा माइनस इंटू माइनस से प्लस, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा से ओमेगा क्यूब, और यहां पे वन प्लस ओमेगा क्यूब की जगह हम वन पुट करेंगे वन डॉट ओमेगा, और यहां पे वन प्लस ओमेगा सिक्स को हम इस तरह लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर डॉट ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा क्यूब वन के बराबर है तो वन, और यहां पे वन प्लस वन इंटू ओमेगा से तो ओमेगा, फिर यहां पे वन प्लस ओमेगा क्यूब वन के बराबर है, फिर वन स्क्वायर तो वन स्क्वायर भी वन के बराबर है, फिर वन को जब हम ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर। अब वन और वन प्लस ओमेगा के प्रोडक्ट से भी वन प्लस ओमेगा आएगा तो वन प्लस ओमेगा, और यहां पे वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगेन हम वैल्यू पुट करेंगे वन प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर, और वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू वन प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर और इसकी जगह माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा, तो माइनस इंटू माइनस से प्लस, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा से ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब तो ओमेगा क्यूब वन के बराबर है विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहां पे भी वन यहां पे भी वन। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।